मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इन टू दी अनोन इंडिया। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट मोटरेबल रोड, और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको अपने मैप में आप सीधा देवलसारी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस डाल सकते हैं और इट्स वर्किंग फाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लेके आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे ये लास्ट मोटरेबल रोड है, यहाँ से आपको 600 मीटर अब जंगल में ट्रैक करना पड़ेगा देवलसारी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के लिए। और यहाँ पे जो बहुत फेमस टेम्पल है जो बहुत ही सुंदर है, उसके लिए भी दोनों पैरेलल ही है, टेम्पल एंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, जहाँ तक आपको आना है मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, आप एक आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें निकलना है 600 मीटर और, जहाँ पे देवलसारी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है एज वेल एज जो एक फेमस टेम्पल भी है वो भी यहीं पर है। और ये यहाँ से नज़ारे हैं, यार ये यहाँ के लोकल्स के ही घर बने हुए हैं यहाँ पर। और ये वाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ जाना है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के लिए और टेंपल के लिए। तो दिल्ली से मुझे यहाँ पहुँचने में 9 घंटे लगे, और दिल्ली से ये आपको डिस्टेंस पड़ेगा 360 किलोमीटर के अप्रोक्स। लोकेशन यार बहुत ही अमेजिंग है यार, मैं उसमें टेम्पल पहुंचने ही वाला हूँ। एक बार पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ, और मैं दर्शन कराता हूँ आपको मंदिर के। उत्तराखंड के देवलसारी में स्थित कोनेश्वर महादेव मंदिर बनने के पीछे की एक मान्यता है। यहाँ एक दिन भगवान शिव घूमने आए, उन्हें यह जगह बहुत ही अच्छी लगी। साधु का वेश बनाकर उन्होंने ग्रामीणों से यहाँ बसने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी, लेकिन गांव वालों ने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ पर जौ के खेत हैं। भगवान शिव ने रातों रात सारे जौ के खेतों को देवदार में बदल दिया, इस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर मंदिर के बाहर के दो पत्थरों की कहानी है कि यहाँ एक शिवलिंग था, एक गौ माता यहाँ पर सुबह शाम आकर दूध गिराकर चली जाती थी, जिसकी वजह से किसान को गाय का दूध नहीं मिलता था। जब किसान को ये बात पता चली तो उसने हथौड़े से पत्थर पे वार किया, पत्थर को तो कुछ नहीं हुआ और हथौड़ा टूट गया। इसके बाद से मंदिर में आने वाले ग्रामीण पत्थर की भी पूजा करने लगे। यार इतना देख रहा, बार बार देखे जा रहा, मन ही नहीं भर रहा है भाई, इतनी सुंदर जगह है। टेंपल के एंट्री पॉइंट पे ही एक ट्री है, अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं तो आपको उसी ट्री के ऊपर एक अपना कॉइन लगाना पड़ेगा। टेंपल के साथ में ही एक इको पार्क है जिसकी एंट्री फीस सिर्फ 20 रुपीज है, और आप अंदर पार्क में घूम भी सकते हैं। देवलसारी टेंपल के बाद मैं निकल पड़ा रेस्ट हाउस में। रेस्ट हाउस देवलसारी टेंपल के एकदम साथ में ही था। ओवरनाइट ड्राइव की थकान काफ़ी हो चुकी थी, तो डिसाइड किया कि कुछ देर आराम कर लूँ। आराम करने के बाद नाश्ता किया और डिसाइड किया कि उसके बाद मैं निकलूँगा जंगल हाइक पर।
एक घंटे की जंगल हाइक के बाद हम लोगों ने कुछ वक्त ऊपर ही स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े रिवर साइड पर। आधे घंटे वहाँ भी बिताने के बाद टाइम ऑलरेडी 3 o'clock हो चुके थे और हमें नीचे देर होने से पहले पहुँचना था। 40 मिनट के डाउनहिल ट्रैक के बाद हम लोग अपने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँच चुके थे। शाम के वक्त थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोगों ने बॉनफायर के मजे लिए। नेक्स्ट डे आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम था शेर्स विलेज, जो देवलसारी फॉरेस्ट से 16 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे था। यहाँ से हमें दोबारा से 600 मीटर का डाउनहिल ट्रैक करना था, जिसमें हमें 15 से 20 मिनट लगे। आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ ड्राइव हम लोग पहुँच चुके थे शेर्स विलेज में और ये है हमारे होम स्टे का नज़ारा। ए गुड मॉर्निंग फ्रॉम शीट्स विलेज फ्रॉम उत्तराखंड और ये सुबह 6:30 का नज़ारा है। ये पीछे मेरा होम स्टे जहाँ मैं रुका था और ये सबसे मेरे पीछे वाली पीक देख रही हो, ये नाग टिब्बा पीक है। दिल्ली के इतने पास होने के बावजूद भी मैक्सिमम लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता और ये एक आइडियल डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो 2 दिन आके सिर्फ रेस्ट करना चाहते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वक्त हो चुका था दिल्ली वापसी का। अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड मोर इम्पोर्टेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।